फ्रेंड्स, आज के समय में आपको स्मार्ट एलईडी टीवी अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं, और अगर आपके पास स्मार्ट एलईडी टीवी ना भी हो तो आप उसे अमेजोन फायर स्टिक, मी स्टिक जैसे स्मार्ट डिवाइस के द्वारा स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या हम सब सीआरटी टीवी यानी पुराने जो रंगीन टीवी हैं उसे स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप सीआरटी टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप अपने पुराने यानी सीआरटी टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर पाएँ। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको सभी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक स्मार्ट डिवाइस की आवश्यकता होगी। मेरे पास अभी फायर टीवी स्टिक है, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस के फीचर दिए गए हैं। यह अमेजोन का ब्रांड है, तो आपको यहाँ पर अलेक्सा के वॉइस रिकॉर्गनाइज का फीचर देखने को मिल जाएगा। यह डिवाइस 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसका GPU Mali 450 सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर 2 मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है, तो मैं इसे अभी साइड में रखता हूँ। मैंने इस बॉक्स को ऑलरेडी ओपन कर लिया था ताकि मैं सारे आइटम्स को वेरीफाई कर सकूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अलेक्सा सपोर्टेड रिमोट देखने को मिल जाता है। आपको इसी स्मार्ट रिमोट के थ्रू अमेजोन फायर स्टिक के सारे फंक्शंस और ऐप को मैनेज करने रहते हैं। सबसे पहले आपको इस रिमोट में वॉइस रिकॉग्नाइज का फीचर दिया गया है, जो कि बहुत कमाल का है। इस रिमोट में आपको माइक वाले बटन को प्रेस करके रखना है, और आप जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इससे पूछ सकते हैं। अब मैं इस रिमोट में बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ। इस बॉक्स में आपको 2 छोटी बैटरी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अमेजोन बेसिक्स का है और ये AAA साइज़ का होता है। आपको रिमोट में इसे अच्छे से इंसर्ट कर देना है। चूँकि यह एक स्मार्ट रिमोट है, इसलिए इसे टीवी से कनेक्ट करने के बाद यह टीवी के सारे फीचर को डायरेक्टली मैनेज कर लेता है। इसके साथ आपको एक एडेप्टर देखने को मिल जाता है, जिसे फायर स्टिक में कनेक्ट करने के लिए यूजफुल है। मैं आपको आगे के प्रोसेस में इसे कनेक्ट करने को बताऊँगा। इसके बाद बॉक्स में आपको मेन कॉन्टेंट फायर स्टिक देखने को मिल जाता है। यह फायर स्टिक HDMI पोर्ट को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ यह साइज में काफ़ी छोटा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके साथ आपको बॉक्स में USB केबल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एडेप्टर के साथ कनेक्ट होकर फायर टीवी स्टिक को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और यह USB केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब हम देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या दिए गए हैं। यह एक HDMI एक्सटेंडर है, और अगर आपके टीवी के पीछे HDMI पोर्ट के पास जगह कम है तो आप इसके द्वारा HDMI पोर्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से बॉक्स के अंदर हमें इतने सारे आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फायर टीवी HD को अपने CRT टीवी में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक और डिवाइस की आवश्यकता होगी। यह एक HDMI to AV कन्वर्टर डिवाइस है, जिसके द्वारा आप फायर टीवी HD को इस डिवाइस से कनेक्ट करके अपने CRT टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं। यह डिवाइस आपको 400-600 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। इस बॉक्स में आपको 2 कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, एक USB केबल है और दूसरा HDMI to AV कन्वर्टर बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस HDMI to AV डिवाइस में आपको एक साइड HDMI का पोर्ट दिख जाता है, जिसमें आपको अपने फायर स्टिक को कनेक्ट करना है। इसके ऊपर साइड में आपको NTSC और PAL का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको PAL में ही इसे स्विच रखना है। उसके बगल में आपको USB और पावर का पोर्ट दिखता है। इस पोर्ट में आपको बॉक्स के साथ जो USB केबल मिला है आपको उसे कनेक्ट करना है। इस बॉक्स के दूसरे साइड आपको ऑडियो वीडियो के केबल का सपोर्ट दिख जाता है, जिसमें आपको ऑडियो वीडियो केबल के थ्रू CRT TV से कनेक्ट करना रहता है। अब हम आपको लाइव सेटअप दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन डिवाइस को CRT TV में कनेक्ट कर सकते हैं। सेटअप के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऑडियो वीडियो केबल होना चाहिए। इसे आपको टीवी में ऑडियो वीडियो के इनपुट में आपको इसे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ 2 ही वायर इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक वायर ख़राब हो चुका है। आपके पास 3 वायर होगा, आपको तीनों यहाँ पर अटैच कर देना है। अब चलते हैं हम केबल के दूसरे साइड। केबल के दूसरे साइड में आपको इस HDMI बॉक्स में इसे कनेक्ट करना रहता है। यहाँ भी आपको 3 इनपुट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर तीनों वायर को इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर एक वीडियो का और 2 ऑडियो का इनपुट रहता है।
मैं यहाँ एक ही ऑडियो के इनपुट में केबल को इंसर्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरे टीवी का एक ही स्पीकर वर्क करेगा। इसके बाद HDMI to AV बॉक्स के दूसरे साइड में आपको Fire TV HD को यहाँ इंसर्ट करना। तो मैं इस Fire HD को HDMI पोर्ट में यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको HDMI बॉक्स के ऊपर के साइड में आपको USB केबल को अटैच करना है। चूँकि HDMI to AV बॉक्स में आपको सिर्फ केबल मिलता है, जिसके कारण आपको एक अडेप्टर की अलग से आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पर उस जो दिया गया केबल है आपको उसे यहाँ इंसर्ट कर देना है और दूसरे साइड में आपको अडेप्टर से कनेक्ट कर देना है। अब आपको फायर स्टिक के साथ जो केबल और अडेप्टर दिए गए हैं आपको उसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है और दूसरे साइड जो केबल का है उसे आपको फायर स्टिक में इंसर्ट कर देना है। फायर स्टिक के ऊपर के साइड आपको पावर का पोर्ट दिख जाता है, यहाँ पर आपको केबल के दूसरे साइड को अच्छे से इंसर्ट करना है। इन दोनों डिवाइस को एडेप्टर से कनेक्ट करने के बाद अब हम एडेप्टर को लेकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चलते हैं। अब यहां आपको फायर टीवी स्टिक से जो आपने एडेप्टर कनेक्ट करके रखा है और जो HDMI टू AV बॉक्स के साथ एडेप्टर कनेक्ट करके रखा है, दोनों को यहां पर प्लग कर देना है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको HDMI बॉक्स के एक साइड में फायर स्टिक को कनेक्ट रखना है और दूसरे साइड में आपको ऑडियो वीडियो केबल को। अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से रख देता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ टीवी के स्विच को ऑन करता हूँ और सारे प्रोसेस को आपको बताता हूँ।